इंडिया रोस्टिंग पाकिस्तान, मेक सम नॉइज। एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग खबर एक मस्खरे की जानिब से सामने आई। पाकिस्तान द कंट्री दैट पुट्स इन इस्लाम। यकीन जाने के पाकिस्तान जैसा मुल्क तो दुनिया में है ही नहीं। चढ़े पाकिस्तान। कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है अभी तक हमने को जो हम उनसे आगे हैं? अरे फर्स्ट जाहिल। हम खा थोड़ी ना सकते भाई। भाई हमारी तरफ से तो गोखा। आप यकीन जाने हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे ताकतवर और सबसे अमीर मुल्क है। अच्छी मेरा। इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है। हमने आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जबान ना खींच दिए तब आदमी कहेगा। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। अभी रिपोर्टर माइक की जगह तमंचा निकाल लेना, सबसे पहले उल्टे पैर भागेगा यही। अगर आपको भी यही नशा करना है और आप भी चाहते हो इस नशे में चूर रहो तो आपको पाकिस्तान में जन्म लेना पड़ेगा। अरे नहीं, बेसिर बे पैर के गप मारते रहते बैठे बैठे। और नहीं तो क्या? और फिजा कहाँ पीछे रहने वाली है? लड़ने और मरने से हम नहीं डरते। अच्छा, हमारा तो ईमान ये है कि असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। भूखा के मर जा। हाँ तो भाई साहब, आज मैं आपको ऐसे मॉडर्न मौलाना से मिलाने वाला हूँ जिसको देखने और सुनने के बाद में आपको ये लगेगा, अगर ये पाकिस्तान की नई नस्ल है ना तो पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। अब आप बोलोगे नहीं बंटी भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आपको पता है आपका भाई आपको कभी झूठ बोलता नहीं है। अपन विद प्रूफ, वीडियो प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो बिना देर के चलते हैं मॉडर्न मौलाना के पास पाकिस्तान। हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ना, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है और इस पर हमें फख्र होना चाहिए इस मुल्क पे। क्यों? कि इस मुल्क को बनाने में बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हमारे बड़ों ने। सबको पता है गड्ढा। बिल्कुल सही। और जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना है वो काम इस मुल्क में नहीं हो रहा। खूब हो रहा है मेरे भाई, खूब हो रहा है। तुम्हारी सारी स्ट्रीटें रात को भरी हुई रहती है इसी काम के लिए। बना था तुम्हारा पाकिस्तान। आज ताकतवर कौन ज्यादा है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ एटमी ताकत जो है वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें जो है, हमने जो कलमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इस कलमे के नाम पे पाकिस्तान बने। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है। हम इंडिया कल का बच्चा है और ये खुद इंडिया से निकले हैं और इनका जो इस्लाम है वो भी 1435 साल पुराना ही है। भाई सनातन का मतलब भी पता है तुम्हें? जब से ये सृष्टि है तब से सनातन है और जब तक ये सृष्टि रहेगी सनातन रहेगा। अभी निकला है तो तुम अभी निकले हो चाहिए लो, और इंडिया तुम्हारा बाप है। बाप अपने बाप को सलामी ठोका करो रोज उठते ही। भाई ने बोला करने का तो करने का। हमारा मुसलमान हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्द हमें दिया है। तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। हम जब मतलब अपने इस्लाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे ना, इस्लाम का निजाम हम नाफिज कर देंगे तो इंशाल्लाह इंडिया का बाप भी हमसे डरेगा। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। इंडिया का बाप जो अमेरिका है ना, अमेरिका भी हमसे डरेगा। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी आवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया अमेरिका जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक है वो तो खुदा के बंदूक उन पे कब कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा तो। कोई सेंसेस बात की? मेरे को लगता है अभी ताजा ताजा अफीम चाट के आया है मेरा भाई। कुछ भी बोले जा रहा है, बेचिर बे पैर की बात है। अरे मेरे भाई, थोड़े से जमीन पे पैर रख ले, थोड़ा सा पढ़ ले और ये अफीम खाना छोड़ दे तो तेरे दिमाग की बत्ती जले। जाहिलों का बादशाह है तू। अगर हम बात करें तो क्या मैशत लिहाज हम उनके साथ बराबरी हैं? हम उनके साथ बराबर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें सबसे पहले अपने हुक्मरानों को चुनना पड़ेगा, अच्छे हुक्मरानों को। जब हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे और हुक्मरान आवाम का साथ देंगे और हम हुक्मरानों का साथ देंगे तो खुद ब खुद जो है ना सियासी निजाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, मतलब जबरदस्त हो जाएगा। तो बात आ गई महंगाई की, तो आपको पता है भूख के साथ इस दौर में कोई भी नहीं मरता, समझ गए ना? और ना आज दिन तक भूख के साथ कोई मरा है। कोई गरीब बंदा भी है उसके रिज़्क का जिम्मेदार भी जो है अल्लाह तबारक तआला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है।
जब इंसान की तख्लीक होगी इस दुनिया में तो मतलब उसका जिम्मा रब ने खुद उठा लिया है। हमें अपने ईमान को पुख्ता करना चाहिए, समझ के अपने इस्लाम पे अपने आप को मुकम्मल उतारना चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तलावत करनी चाहिए। और जिस तरह मतलब जो निज़ाम है इस्लाम का, जब हम इस्लाम के निज़ाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे तो आप यकीन जाने के कोई गुर्बत नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी। आप यकीन जाने हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे ताकतवर और सबसे अमीर मुल्क है। बस कर मेरे भाई बस कर, थक गया होगा जाके पानी वानी पी ले, फिर ये इंटरव्यू खत्म करके आर्टिकल लाइन में लगना है तुझे जाके। अम्मी ने मंगाया ना 5 किलो आटा। अगर ताकत के लिहाज से देखा जाए, आज जिस तरह से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, हम आईटी में कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम उनसे आगे या पीछे हैं? टेक्नोलॉजी में हम आगे उनसे। कब हो गया ये? हम आगे उनसे। कब हुआ, कब? कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है अभी तक हमने जो हम उनसे आगे हैं? अरे फस जाहिल, एटमी ताकत बनाई है, इसके अलावा एटम बम खा थोड़ी ना सकते भाई। खा लो। वो बताएं जिससे हम काम करके रोटी दे सकते हैं गरीब आवाम को। भाई रोटी तभी मिलेगी गरीब आवाम को अगर सूदी निजाम को खत्म किया जाए, तब हाँ। हमारी मईशत ठीक होगी, तब हमारा निजाम ठीक होगा। गवर्नमेंट के आप इदारों में जाएंगे, बैंकिंग आपको सूद देता तो इसे जान नहीं छूट सकती? इस पर रहते हैं, जबकि सूद हमारे इस्लाम में कहा गया है कि भाई अपनी माँ से 70 दफा जिना करने से भी ये बदतर है। जिना का मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझते हों तो मैं बता देता हूँ, इसको कुछ लोग सेक्स भी देखते हैं, छेड़छाड़ भी देखते हैं, गंदी नजर के हिसाब से भी देखते हैं। तो जिना का मतलब वही होता है, मतलब गंदा, एक औरत को वासना की दृष्टि से देखना या उसके साथ वासना की तृप्ति करना, इस टाइप से कुछ। कोई लड़की को छेड़ रहा है या उसके बारे में गंदे ख्याल ला रहा है तो वो भी जिना होता है। जिना गुनाह माना जाता है इन लोगों में। और अगर औरत करती है तो उसको भी कोड़े की सजा है, और मर्द करता है तो उसको भी कोड़े की सजा है। इश्क लड़ा रहे गैर महरम, गैर महरम मतलब गैर मर्द के साथ में अगर कोई लड़की पकड़ी जाती है तो वो लड़की जिना कर रही है। लड़का तो कर ही रहा है, लड़की भी कर रही है, दोनों को कोड़े पड़ते हैं। तो ये अपनी माँ के साथ भी जिना कर लेते हैं, माँ के साथ शादी भी कर लेते हैं, 70 बार जिना करते हैं, बताओ। ये तो इनके संस्कार है। सीख किसको देते हैं? सनातनियों को। अबे हलाला की औलादो, अपने मुल्क को संभालो। और ये सारे हलाला की औलादे मदरसे में पढ़े हुए हैं, मैं सच बता रहा हूँ। ये मदरसे के आज के जमाने के मॉडर्न मौलाना है, और खुद देखो कैसे हीरो बन के घूम रहा है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब सूद का निजाम, रिश्वत का निजाम, मुकम्मल निजाम, जब मतलब जो गैर कानूनी काम है, मतलब गैर भाई कानून में आइए, सूद बैंकिंग निजाम के अंदर लेना, वो तो चल रहा है, इस्लाम के कानून में तो नहीं है। इस्लाम ने तो इससे मना फरमाया ना। जब हम, मैंने आपको पहले यह कहा कि जब हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आप यकीन जाने तमाम मामला हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। क्योंकि जब इस्लाम पे एक बंदा चलना शुरू हो जाए, इस्लाम हमें देता ही अमन का दर्द है, समझ गया ना। यहाँ पर एक बात करते हैं, सूदी निजाम, चलो पाकिस्तान तो सूद लेता है, तो जो गैर मुस्लिम ममालिक है वो सूद पे काम करते हैं, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? आप इंडिया के मसाले लो, अमेरिका के ले लो, दूसरे मुल्कों के मसाले, देखिए वो तो है ही गैर मुस्लिम ना, उनका तो काम ही यही है ना, वो उनका काम ही है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हमारे लोग जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, जब ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो आप यकीन करें ना, इन्हें किसी के साथ बात करने की जरूरत पड़ेगी, ना कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी इनको अपने आप से। हमारे मुल्क के अंदर अपने जो टैक्स है, जो मामलात है, तमाम जितने भी है, जरी तरक्याती जो निजाम है, अभी आप खुद हिसाब लगे पंजाब के अंदर जरी जो हुई है, गंदम की कटाई हुई है, कितनी गंदम हुई है। ये अगर ये अंदर अगर सप्लाई ना करें किसी और को, और अगर इसका स्टॉक ना लगाएं, तो यकीन जानिए खत्म ही नहीं हो सकता। ये गरीब आवाम के लिए अपनी मुनासिब कीमत पर तकसीम करें तो गरीब आवाम बिल्कुल सुकून में अपनी जिंदगी, जब हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, अच्छे आएंगे ना, यकीन जाने कि पाकिस्तान जैसा मुल्क तो दुनिया में है ही नहीं, समझ गए ना। पाकिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरती, आबो हवा, मौसम, देखें कितने, मैं कहता हूँ कि कितनी बरकतें हैं इस पाकिस्तान के अंदर, कितनी हमारे बड़ों ने कितनी अच्छी कुर्बानियां दी हैं इसके लिए, पर हमें इसकी उसका हमें कोई गरज नहीं है, मतलब हमें इसकी कदर नहीं है पाकिस्तान की, समझ गए ना। ये बंदा इतनी इस्लाम 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 की बातें कर रहा है, इस्लाम के अंदर आपको पता है फोटो बनाना, पेंटिंग करना, या म्यूजिक सुनना, या वीडियो बनाना, पिक्चरें देखना, ये सब हराम होता है, और ये हराम काम वीडियो बना के कर रहा है। इससे बड़ा इस्लाम को बदनाम करने वाला कोई और है ही नहीं, ये खुद ही है। बाकी इस्लाम के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, अगर मैं कहीं इधर से उधर निकल जाऊं तो क्षमा कर देना भाई लोग, और करेक्ट कर देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये ज्ञान मेरे को कहां से मिलता है? ये ज्ञान भी मुझे कमेंट सेक्शन से मिलता है, जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं तो रीड करता हूं, फिर मैं जाके उसको वेरीफाई करता हूं कि नहीं यार ये चीज सही है कि गलत है, बोलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर मैं अपने वीडियो के अंदर बोलता हूं, बोलता सच हूं लेकिन वेरीफाई करके। खैर ये नए जमाने का मॉडर्न मौलाना आपको कैसा लगा? अभी नए नए मौलाना के पर निकले हैं तो ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, थोड़े दिन के बाद में इसको रोटी खाने को नहीं मिलेगी, बच्चे भूख से बिलबिलाएंगे, दूध मांगेंगे, खाना मांगेंगे, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर ये ऐसी बड़के नहीं मारेगा, ऐसी बड़ी बड़ी गप नहीं छोड़ेगा। और आप भी इस मॉडर्न मौलाना की खाज मिटाते हुए जरूर जाइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।